हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 8। इधर रिवा जल्दी से वंशिका के कॉलेज पहुंचती है और वहां ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को पैसे देने के बाद अंदर जाने लगती है कि तभी कॉलेज के गेट पर खड़ा गार्ड उसे रोकते हुए बोला, मैडम बिना आईडी के आप अंदर नहीं जा सकती और आप यहाँ इस कॉलेज की लग भी नहीं रही तो हम आपको जाना अलाउ नहीं कर सकते। जिस पर रिवा झुंझलाते हुए बोली, अरे क्या भैया, यहाँ किसी की जान की बात है और आपको आईडी की पड़ी है? आपको आतंकवादी नजर आती हूँ क्या जो बम से उड़ा दूंगी आपके कॉलेज को? प्लीज अंदर जाने दीजिए, बहुत जरूरी काम है, प्लीज। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खाटू वाले श्याम बाबा की कसम झूठ नहीं बोल रही। मेरा कोई अपना है अंदर जो बहुत परेशान है, जिसने मुझे फोन किया, प्लीज। और ये कहते हुए उस गार्ड के आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन गार्ड माना नहीं। तो इस पर उसने कुछ सोचकर तिकड़म लगाते हुए उस गार्ड से कहा, देखो भैया, अगर मुझे जाने नहीं दिया और उस लड़की ने कुछ कर लिया तो बदनामी आपके कॉलेज की ही होनी है और जॉब आपकी ही जाएगी, क्योंकि मैं तो आपका नाम ले लूंगी कि ये जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, इसलिए बेहतर होगा मुझे जाने दो। और ये कहते हुए उस गार्ड के आगे मुस्कुराकर अपने हाथ आपस में बांधते हुए खड़ी हो गई। उसकी ऐसी बातें सुनकर गार्ड भी सोच में पड़ गया और अपनी नौकरी को लेकर घबरा गया और उसे अंदर जाने दिया। जैसे ही गार्ड ने उसे जाने के लिए कहा, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई और वो बोली, पहले मान जाते भैया, नौकरी की धमकी नहीं देनी पड़ती, अब हटो रास्ते से। और गार्ड को हटाते हुए दौड़कर अंदर की ओर बढ़ गई। अंदर आकर उसने फिर अपने बैग से वंश का फोन निकाला और उस पर पासवर्ड टाइप करते हुए बोली, 1 2 3 4। इतना इजी पासवर्ड कौन रखता है? ये तो मैं हूँ, कोई और होता तो कौन कौन सा डाटा ले लेता पता नहीं। एक ट्राई में खुल गया था, छी, आया बड़ा बिजनेसमैन कहीं का, क्वैक क्वैक से सो दिया। इस आदमी को बत्तख की तरह क्वैक क्वैक करने के अलावा कुछ नहीं आता। और ये कहते हुए उसका फोन अनलॉक करके वंशिका के नंबर पर फोन लगा लिया। फिर जैसे ही इस तरफ से वंशिका ने फोन उठाया, वो बोली, हेलो लाडो जी, मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हो मुझे ये बताओ। जिसे सुनकर वंशिका बोली, आप बताओ आप कहाँ हो, मैं आती हूँ आपके पास। और ये कहते हुए अब भी उसकी आवाज रुंधी हुई थी। उसकी आवाज में उस दुख को महसूस करते हुए रिवा उससे बड़े प्यार से बोली, लाडो मैं गेट के पास ही खड़ी हूँ, अभी अभी जस्ट आपके घाट से लड़कर अंदर आई हूँ, नीले रंग का सूट पहना हुआ है मैंने, आप आओगी तो देख लेना। और ये कहने के बाद उसने फोन रख दिया और वंशिका के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते वो अपने मन में बोली, हे खाटू श्याम जी, बस वो कुछ करना चुकी हो अब तक और कुछ ज्यादा सीरियस ना हुआ हो, प्लीज सब सही रखना, जितनी जल्दी हो सके उस क्वैक-क्वैक सिसोदिया को यहाँ भेज दो, आखिर जो भी हो भाई है उसका, और जिस तरह ये रो रही थी मुझे लग रहा है कि उसके आने की बहुत जरूरत है। और वो ये सब कहते हुए ऊपर की ओर देखे जा रही थी, तभी वंशिका जो फोन रख के गेट की ओर आई थी उसे ढूंढते हुए उसकी नजर नीले रंग के सूट में खड़ी रिवा पर पड़ी जो ऊपर की ओर देख रही थी। तो उसने आव देखा ना ताव, सीधा दौड़ते हुए रिवा की ओर आई और उसके गले लग जोर जोर से रोने लगी। वही रिवा किसी के यूं गले लगने से एक पल को तो हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसे रोती हुई आवाज से समझ आ गया कि वो वंशिका ही है, इसलिए उसने भी उसे गले लगाया और उसके सर को सहलाते हुए बोली, देखो लाडो बात क्या है वो तो बताओ, यूं रोते रहने से कुछ नहीं होगा। और उसने ये बात इतने प्रेम और स्नेह भाव से कही कि वंशिका भी उसे महसूस कर सकती थी और उसके मन में अपनी चिंता को भी महसूस कर सकती थी। वहीं इस तरफ दर्श की बात सुन वंश के मन से रिवा के लिए गुस्सा उड़नचू हो गया और बस कुछ था तो वंशिका की चिंता, जिसके लिए वो वहां से बिना देरी करे दर्श और अपने बॉडीगार्ड के साथ वंशिका के कॉलेज के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में ही ट्रैफिक में फंस गया जिसकी वजह से उसे वहां पहुंचने में वक्त लग रहा था। ये उसके गुस्से को पल पल बढ़ा रहा था और वो अपने मन में बोला, डैम इट, इस ट्रैफिक को भी अभी ही बढ़ना था, बस लाडो ठीक हो वरना भगवान जाने मैं उस कॉलेज का क्या करूंगा, और जिसने उसे रुलाने की जरूरत की है उसका तो भगवान ही मालिक है कि क्या होगा, उसकी तो ऐसी हालत करूंगा कि साला अपने पैदा होने पर भी अफसोस करेगा। और ये कहते हुए उसके हाथों की मुठिया कस गई थी और आंखें बंद हो गई थी। वहीं दर्श जो उसके पास बैठा था उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि उसे वंशिका की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, इसलिए वो उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, देख वंश टेंशन मत ले, मोटू ठीक होगी और अगर किसी ने उसके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से वो रोई है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस अभी कुछ वक्त के लिए शांत रहे। जिस पर वंश कुछ नहीं बोला और बस अपना सर हिलाकर उसी तरह बैठा रहा। तभी कुछ वक्त बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ और वो वहां से आगे बढ़े वहीं वंशिका के कॉलेज में।
रिवा के इतने प्यार से पूछने पर वंशिका उसे सिसकते हुए बताने लगी, वो मैं एग्जाम देकर बाहर आई तो हमारी क्लास का एक लड़का रोहित, जो हमेशा मुझे प्रपोज करता फिरता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा रिजेक्ट किया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। उसने आकर मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि मैं उसे हाँ बोल दूँ, लेकिन मेरा जवाब आज भी वही था और हाथ थामने की वजह से मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके लिए उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मेरे बाल पकड़े और मुझे थप्पड़ भी मार दिया, पर मैं खुद को जैसे तैसे उससे छुड़ाकर वहाँ से भाग आई। अब मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने जिस तरह से मुझे टच किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे घिन आ रही है मुझे खुद से। ऊपर से बाकी सारे स्टूडेंट्स वहाँ खड़े बस तमाशा देख रहे थे और ज़्यादातर तो वीडियो बना रहे थे, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और जैसे ही मैं वहाँ से भागी उसके बाद वो लोग सिर्फ मेरे बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबने देखा था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, गलती रोहित की थी। वो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आराम से बैठा मेरा मजाक बना रहा है और पूरे कॉलेज में मेरा वो वीडियो वायरल हो गया है जिसमें रोहित ने मेरे साथ वो हरकत की, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आज ही दादी और भाई से बोल कर आई थी कि उनका सर फक्र से ऊंचा करूंगी और ये लोग मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं मेरी आंखों के सामने, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। अब आप ही बताओ कैसे फेस करूं मैं भाई को, दादी को। कहते हुए वो रिवा से अलग हुई तो रिवा ने देखा कि उसकी आंखें लबालब आंसुओं से भरी है। ये देखते हुए रिवा उसके आंसू साफ करते हुए उससे बोली, क्या मतलब आप कैसे फेस करोगी अपने भाई को? अरे जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो फेस करने की बात कहाँ से आ गई? एक बार बस शांति से उनको बताना, वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये उनके फोन में आपका नंबर देखकर पता चलता है और उनके वॉलपेपर में आपकी और आई गेस आपकी दादी की और उनके पिक्चर है, इस चीज से भी पता चलता है। इसलिए खुद के साथ कुछ बुरा करके उन्हें दर्द मत दो, क्योंकि इस बात से ज्यादा दुख उन्हें उस बात का होगा, समझी आप? कहते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर मुस्कुराने लगती है और फिर उससे कहती है, चलिए अब मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मैंने फोटो देखी थी, आप मुस्कुराते हुए बड़ी कातिल लगती हैं। और ये कहते हुए उसे मुस्कुराने का इशारा करती है, जिसे पाकर वंशिका भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी वो वंशिका के हाथ थामकर उससे पूछती है, वैसे ये बताना लाडो जी कि कैंटीन किधर है आपकी? जिस पर वंशिका उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछती है, कैंटीन, लेकिन क्यों? तो इस पर रिवा एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, रोहित को हिट तो करने जाना है ना, आखिर उसने आपको इतना रुलाया है, बिना कुछ इसको बोले या बिना उसे एक दो चाटे मारे कहाँ चैन आएगा मुझे, इसलिए अब सवाल जवाब छोड़ो और मुझे वहां लेकर चलो। ये सुन वंशिका घबराते हुए बोली, देखिए आप जाने दीजिए प्लीज, उसके साथ उसके वो दोस्त भी हैं और सबके सब एक नंबर के लफंगे हैं, भाई को आने दीजिए फिर देखते हैं इन लोगों को। लेकिन इस पर रिवा बोली, हमेशा अपने भाई पर ही डिपेंडेंट रहेंगी क्या आप? कभी वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए और कुछ हो गया तो? और ऐसे लोगों के आगे जितना दबोगे ना उतना ये लोग दबाएंगे, इसलिए चलो और भरोसा रखो मुझ पर। अभी तक इतना भरोसा रख के इतना सब बताया है तो एक आखिरी बार और रख लो। उसकी ऐसी बातें सुन वंशिका में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई और वो उसके हाथ को थाम उसके साथ कैंटीन की ओर बढ़ गई। क्या लगता है आपको क्या करेगी रिवा रोहित के साथ और क्या करेगा वंश रोहित के साथ जब उसे ये सब पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।